नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से 15वां और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बारे में MCQs करेंगे। इसके पहले पार्ट में भक्ति आंदोलन और दूसरे पार्ट में सूफी आंदोलन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में आचार्य के नाम दिए गए, सूची दो में उनके मत और विचारधारा का नाम दिया गया। तो रामानुज आचार्य थे जो विशिष्टाद्वैतवाद थे, निम्बार्का आचार्य जो द्वैतवाद या भेदाभेद को प्रतिपादन करते थे, माधवचार्य जो द्वैतवाद से थे और विष्णु स्वामी जो शुद्धाद्वैतवाद से थे। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। रामानुज आचार्य जो थे दोस्तों, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। उन्होंने वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया है। रामानुज का विशिष्ट द्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। निम्बार्क आचार्य के बारे में कुछ जानते हैं। द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। इनका संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जिसका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना थी। इनकी रचनाएँ थी वेदांत, परिजात सौरभ और 10 सोलंकी सिद्धांत। माधवाचार्य के बारे में कुछ जानते हैं। उनका जो कार्यकाल था वो 1199 से 1278 तक था। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक माना तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग बताया। वे ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही ईश्वर का रूप मानते थे। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे कौन थे? तो रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रहे तो नानक रहे। नानक के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इनका जन्म स्थल नानका साहब पाकिस्तान तलवंडी में था। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनको जो ज्ञान मिला वो कालीबेन नदी के किनारे मिला। दोस्तों, उनका जो दार्शनिक मत था वो ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और निर्गुण और निरंकार है। परमात्मा के लिए उन्होंने हरि, राम, अल्लाह, खुदा के नामों का भी प्रयोग किया। उन्होंने मुस्लिमों को सलाह दी कि दया को मस्जिद बनाओ। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर है पहला और तीसरा। दोस्तों, पहले वाक्य में इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और तीसरा, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य व गीतों या कीर्तन को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने गीतों को अपना एक माध्यम बनाया ईश्वर से अपने आप को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो शंकराचार्य था। निम्नलिखित संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। तो जो पहले आए थे उनका, फिर उसके बाद जो आए थे। तो इसका सही आंसर है कबीर, नानक, चैतन्य और फिर तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने किया। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। अगले प्रश्न में दोस्तों, सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के नाम दिए गए और सूची दो में स्थल के नाम दिए गए। तो श्रृंगेरी पीठ जो है वो मैसूर कर्नाटका में है, गोवर्धन पीठ जो है वो पूरी उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ जो है वो बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है और शारदा पीठ है द्वारका गुजरात में। अगला प्रश्न है, सूची एक में संतों के नाम दिए गए, सूची दो में संतों के कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। तो वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान से थे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उनका कार्यक्षेत्र था। चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में था, मीराबाई का राजस्थान में था और नामदेव महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली।
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर को चुनना है। सूची एक में दोस्तों संत कवि के नाम दिए गए हैं, सूची दो में उनकी रचनाओं की भाषा के बारे में दिया गया है। तो मीराबाई दोस्तों हिंदी में थे, त्यागराज थे दोस्तों तेलुगु में, चंडीदास जो थे दोस्तों वो बांग्ला में, और पुरंदर दास थे वो कन्नड़ में। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो रामानुज आचार्य थे। महापुरुषीय धम्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे, तो शंकर देव थे। शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था, तो दोस्तों उनका जो जन्म था वो कलादी में हुआ था, केरल कलादी में। दोस्तों इनके बारे में कुछ जानते हैं, दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, जिसके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया था और शैव और वैष्णव को अधिक शक्तिशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार फिर पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती से सातार्थ किया था। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों को के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया कहाँ, अलवार और नायनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो वैष्णव कहा जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक का रचयिता कौन है, कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था, क्या नाम था, राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, क्या था, वह संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है, तो शंकराचार्य की है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी, तो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतवालंबी चोल शासक के धमकी के कारण चित्रनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था, तो कोलोतुंग प्रथम जो चोल वंश के थे। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था, विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, तो रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के में वृंदावन में बिताया, तो निम्बार्काचार्य ने बिताया था। महाराष्ट्र में विठोबा या विठुल या विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था, तो पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका के नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे समानता ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता, तो ज्ञानदेव। अगला प्रश्न है, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है, तो एकनाथ की है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो शंकराचार्य रामानुज तब चैतन्य, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद ने। सूची को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो नामदेव जो थे वो दर्जी का पेशा व्यवहार था उनका। कबीर जो थे वो नाई थे। रैदास या रविदास थे जो मोची थे। और सेना जो थे वो नाई थे। रैदास और रविदास जो थे वो मोची थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास थे। दास बोध के रचयिता कौन थे, तो रामदास थे। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तलवंडी नानक कान्हा जो पाकिस्तान में है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है, तो चैतन्य को है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो कहाँ है, नदिया या नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था, तो चैतन्य का था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य को सुमेलित करना। दोस्तों सूची एक में रचना दी गई है, सूची दो में रचनाकार के नाम दिए गए। तो पदावली जो थी वो विद्यापति के उनके रचनाकार थे, रामचरितमानस के रचनाकार थे तुलसीदास, सूरसागर के रचनाकार थे सूरदास और बीजक के कबीरदास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता है मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तेने कही है जो पीर पराई जाने के रचयिता कौन थे? तो नरसिंह मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे किसे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। दोस्तों अब अगले भाग में हम सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। सूफ उन शब्द से हुई क्योंकि उन सूफी उनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूफी ने खुद को अनल हक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो मंसूर अल हजाज। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापन किसने किया? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय का मूलतः संबंधित है किससे? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन को। सूची को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों इसमें सूफी सिलसिले का नाम दिया गया सूची एक में और सूची दो में उसके संस्थापक जो भारत में थे उनका नाम दिया गया। तो सुहरावर्दी के संस्थापक थे शेख बाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी के थे बुद्धहीन समरकंदी, कादरी के थे मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी के थे ख्वाजा बकी विल्ला। तो ए ऑप्शन सही है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिलती है? तो चिश्ती को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। अगला प्रश्न है फिर दोसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाना मनेरी। दारा सिकोई ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादिरी को। निम्नलिखित को सुमेलित करना दोस्तों। सूची एक में सूची दो के साथ सुमेलित करना। तो पीर शेख मुर्शीद गुरु गुरु या मार्गदर्शक कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था शिष्य को, खलीफा कहा जाता था सूफी मत का अनुपालक करने वाले को, खानका कहा जाता था सूफी संतों का निवास स्थल को खानका कहा जाता था। निम्न से कौन सा चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे दलहवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो शेख नसरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। दारा सिखों ने किस शीर्षक के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता थी? तो कश्मीर की विशेषता थी। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आया? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। वहदत उल शुहदू भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वो पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन खलीफाओं से भी आगे, वह कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्ताने तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली है? तो शेख हमुद्दीन नागौरी। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो कुतुब मीनार का नाम पड़ा है दो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के ही नाम पे पड़ा है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजरे शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो हाँसी एवं अजोधन। काव्य
भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता था? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बहरुद्दीन गरीब। मिराज उल आस्किनी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है? तो सैयद मोहम्मद गेसु दराज बंदा नवाज। अकबर जी सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुरावर्दी सिलसिला के में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो दोस्तों इसमें एक दो तीन चार यानी चारों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखतूम याहया मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ था। फारसी में रचित मजमा उल बहरेन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन कार्य रचयिता था दारा सिकोई। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया था? दारा सिकोई। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे तथा उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युगों में से गलत युग को पहचाने, तो औलिया जो थे वो मध्य प्रदेश के नहीं थे। अगला प्रश्न है, मध्युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ध्यान साधना एवं श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रेताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों इस तरह की वीडियो स्टैटिक पोर्शन में SSC रेलवे बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।